राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। ये सवाल कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले मामले को समझ लीजिए। तो हुआ ये कि हाल ही में ये आरोप सामने आया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर इस बदसलूकी का आरोप लगा। जब इस मामले पर विवाद और बढ़ा और बीजेपी ने हमला बोलना शुरू किया तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह सामने आए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने मामले को संज्ञान में लिया है और वो सख्त कार्रवाई करेंगे। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहिए। संजय सिंह के बयान के बाद बीजेपी ने एक बड़ा सवाल ये उठाया कि इस मामले में केजरीवाल कार्रवाई करने वाले कौन होते हैं। कार्रवाई तो पुलिस करेगी। स्वाति मालीवाल के मामले में संजय सिंह का जो बयान आया है वो ये बात तो स्पष्ट करता है कि स्वाति मालीवाल के साथ हिंसा हुई है, मुख्यमंत्री के घर में हुई है, प्रताड़ना हुई है और विभव कुमार ने की है। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि इसमें केजरीवाल एक्शन लेंगे। केजरीवाल क्यों एक्शन लेंगे? केजरीवाल ने अभी 31 घंटे हो गए, पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी? पुलिस क्यों नहीं बुलाई? विभव को अरेस्ट क्यों नहीं कराया? कोई अपराध हो जाएगा उसमें आप पुलिस नहीं बुलाएंगे, उसमें आप केजरीवाल खुद ही जज बन जाएंगे, खुद ही पुलिस बन जाएंगे। एक महिला सांसद को मारा गया, पीटा गया मुख्यमंत्री के घर में। महिला सांसद ने पुलिस को फोन भी किया। संजय सिंह ने यह बताया कि यह घटना सच में हुई है और अरविंद केजरीवाल अपने घर में इतना बड़ा अपराध हो गया चुप बैठे हैं और अब कह रहे हैं एक्शन भी अरविंद केजरीवाल लेंगे। जबकि फोन कॉल में स्पष्ट तौर पर स्वाति मालीवाल जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव ने मारा है, तो केजरीवाल तो खुद अपराधी है और अब तो उन्होंने इस अपराध को दबाने का भी पाप किया 31 घंटे तक। मुझे ये लगता है कि संजय सिंह के इस बयान के बाद कि स्वाति मालीवाल को पीटा गया, मारा गया, मुख्यमंत्री के घर में मारा गया, इस बयान के बाद अब पुलिस को कॉग्निजेंस ले लेनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और स्वाति मालीवाल जी को भी सामने आके देश के ये बताना चाहिए। देश उनके बयान की प्रतीक्षा कर रहा है कि असली में हुआ क्या था। और इस मामले में स्पष्ट है कि विभव अपराधी है, लेकिन विभव से बड़े अपराधी अरविंद केजरीवाल है। पहला, उनके कहने पर मारा गया। दूसरा, 31 घंटे तक वो इस मामले को दबा के बैठे रहे और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। बीजेपी ने इस मामले में केजरीवाल की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री आवास इस बात के लिए चर्चित है। पूर्व मुख्य सचिव के साथ मारपीट हुई, कल इस बहन के साथ हुई। ये पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है ये उत्पादी चरित्र है। उत्पाद मचाना और किसी भी तरह से अपनी बात को बनवाने की कोशिश करना ये इनके चरित्र में है। नहीं, विभव पर कार्रवाई मतलब उनको तुरंत के तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। सीएम रेजिडेंस मतलब सीएम ऑफिस कम रेजिडेंस है, वहां से कंप्लेंट करानी चाहिए थी। और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि पीसीआर कॉल हुई थी। अब जब पीसीआर कॉल एक्सेप्ट करते तो पीसीआर कॉल में क्या कहा था स्वाति मालीवाल ने कि मुझे मुख्यमंत्री के कहने पर विभव ने पीटा है, बहुत बुरी तरह वर्ड यूज़ किया, बहुत बुरी तरह पीटा है। तो मुख्यमंत्री जी भी दोषी हैं
और मैं चाहूँगा कि पुलिस को उस पर सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए और वहाँ पर जो दिल्ली सरकार के अधिकारी सीएम निवास पर या रेजिडेंस पर ऑफिस में रहते हैं उनको भी कंप्लेंट करनी चाहिए थी। और 31 घंटे बाद क्यों इनको ध्यान आया कि ऐसी बात हुई, जबकि मारपीट तो 31 घंटे पहले ही हुई थी। तो ये क्या है कि केजरीवाल साहब को बचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि कहीं स्वाति मालीवाल केजरीवाल साहब का जो उसने पहले पीसीआर में नाम लिया है उसको रिट्रेड करके कंप्लेंट ना दर्ज कर दे, ये उनको बचाने के लिए सारी कार्रवाई की गई। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि किसके इशारे पर हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। स्वाति मालीवाल ने खुद माना कि केजरीवाल साहब के कहने पर उनकी पिटाई की गई। और दूसरा ये कि उनकी जान को खतरा है तो अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली पुलिस इसकी चिंता करेगी। राज्यसभा की वो सदस्य हैं और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो भी इसकी चिंता करेंगे कि उनके सदस्य की जान पर कोई अगर खतरा है तो उसकी देखरेख होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी पर ये आरोप भी लग रहा है कि उसने स्वाति मालीवाल को भी इस मामले में चुप कराया हुआ है। इस बीच स्वाति के पूर्व पति का एक बयान भी चर्चा में है। इस बयान में उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि स्वाति की जान को खतरा है। देखो जो दिल्ली में घटना हुई है, दिल्ली सीएम हाउस जो आप बोलते हो ये गटर हाउस है पहली बात तो ये, और ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि उसके घर में हुई है और जिसने भी ये की है उसकी औकात नहीं है ये घटना करने की, और उसकी जान को खतरा है स्वाति की जान को, क्योंकि उसको डराया धमकाया गया है, वरना कोई ऐसे फोन नहीं करेगा पुलिस को, थाने में से वापस नहीं आओगा। अभी भी उसकी आवाज दबाई जा रही है, चुप किया जा रहा है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने भी मालीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने 14 मई को कहा, मैं स्वाति मालीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। उन पर ऐसा कौन सा दबाव है कि वो आगे आकर पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करा पा रही है। साहसी बनिए स्वाति। कुल मिलाकर इस मामले में आम आदमी पार्टी बुरी तरह फंसती दिख रही है। ऐसे में इस बात पर निगाहें हैं कि संजय सिंह ने जो कहा है पार्टी उससे आगे जाकर कुछ बोलती है या नहीं। महिला विरोधी अरविंद केजरीवाल, अभी शर्म